अलमेम वीवर्स वीवर्स आप एक नाम स्वेद साजिद के साथ वीवर्स आज हमारा टॉपिक है इन डिफ्रेंस कार अप्रोच खतूत दम तरजीह या गैर जानबदारी का नजरिया देखिए ख़तूत तरजीह या गैर जानबदारी का खत किसे कहते हैं इसका मतलब ये होता है जब आप एक गुड्स को दूसरे गुड्स पर preference नहीं देते तरजीह नहीं देते तो इसे हम क्या कहते हैं ख़तूत दम तरजीह का खत कहते हैं देखिए हमारे पास मॉडर्न इकानमिस्ट थे प्रोफेसर एजवर्थ प्रीटो जे आर हिक्स और आर जी डी एलन इन्होंने सारिफ के नजरे की जो सारिफ का जो बिहेवियर है उसकी वजात इन डिफरेंस कर्व खत के अप्रोच की मदद से की है इनके मुताबिक के सारिफ की जो आमदनी होती है वो महदूद होती है और सारिफ अपनी महदूद आमदनी से मैक्सिमम सेट्सफेक्शन हासिल करना चाहता है और सारेफ अपनी आमदनी को मुख्तफ मदाद पर इस तरीक़े से खर्च करता है कि सारेफ का जो लेवल ऑफ सटिसफेक्शन हो वो मैक्सिमम हो और बाद शाह के ऐसे जुट या ऐसे जोड़े होते हैं जो सार्फ को यकसा तकसीम फराहम करते हैं अब हम खतूत अदम तरजीह की डेफिनेशन करते हैं ख़तूत अदम तरजीह के खाद से मुराद एक ऐसा खात है जो दो अशा के जो सार्फ़ को दो अशा के मुख्तलिफ जोड़ों यकस तकसीम देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है सार्फ हमेशा इन इन मुख्तलिफ जोड़ों के दरमियान गैर जानबदार रहता है यानी किसी एक जोड़े को दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देता देखें यहाँ पर हमने इस गोशबारे में हमने फोर कंबिनेशन फोर पेयर लिए हैं और हमारे पास टू गोड्स अवेलेबल हैं और लेवल ऑफ़ सेटिसफेक्शन क्या है वो सेम है अब देखें पहले पेयर में देखें यहाँ पर आम और केले हमारे पास दो गोट्स अवेलेबल हैं पहला जोड़ा है पहले पेयर में देखें एक आम और सार्फ को दस केले हासिल होते हैं और दूसरे पेयर में सार्फ को दो आम और छः केले हासिल होते हैं तीसरे जोड़े में सारफ़ को तीन आम और तीन केले हासिल होते हैं चौथे जोड़े में सारे को चार आम और एक केला हासिल होता है लेकिन जो लेवल ऑफ सट्सफेक्शन है ये सी 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 मतलब ये तस् तकसीम का मीर है वो सेम रहता है बट एक बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए जब सार्फ किसी एक शेयर की ज़्यादा ही लेता है तो सार्फ को दूसरी अशिया की कुछ गायों को छोड़ना पड़ता है ज़्यादा लेना और छोड़ना एक दूसरे के असर को ज्याल कर देता है ख़त्म कर देता है तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ सेट्सफेक्शन है वो सेम हो जाता है सार्फ इन चार जोड़ों में से कोई भी एक जोड़ा ले सपोज सार्फ दूसरा जोड़ा लेता है मतलब दूसरे जोड़े में दो आम और छः के लिए सेट्सफेक्शन का मैार सेम है अगर सारेफ चौथा जोड़ा लेता है यानी चौथा पेयर चौथे पेयर में चार आम और एक केला है यहाँ पर भी लेवल ऑफ सेट्सफैक्शन क्या है सेम है इन चार जोड़ों में से सारे कोई भी एक जोड़ा ले ले सेट्सफैक्शन का म्यार सेम रहता है अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं डायग्राम में ओ एक्स पर यानी ओ एक्स पर हम आम रखते हैं ओ वाई पर हम केले रखते हैं ये डायग्राम मेरे पास गिवन है ओ एक्स पर आम और ओ वाई पर केले हैं हमारे पास आम की हमारे पास वैल्यूज कितनी है चार वन टू थ्री फोर और केले मैक्सिमम कितनी है टेन तो so, हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक आम और दस केले यानी दस के ऊपर और एक के सामने ऐसे डॉट लगाना है हमने ये डॉट लगा दिया उसके बाद जब सारे एक आम ज़्यादा लेता है तो सारे को चार केले केले छोड़ने पड़ते हैं दो आम और छः केले यानी छः के सामने दो के ऊपर हमने ऐसे डॉट लगा दिया निशान तीसरे जोड़े में देखें तीन आम और तीन केले जब सार्फ तीसरा आम लेता है तो सार्फ को तीन केले छोड़ने पड़ते हैं तीन के सामने तीन के सामने तीन के ऊपर हमने एक डॉट का निशान लगा दिया है अब चौथे पेयर में देखें जब सारेफ एक आम ज़्यादा लेता है तो सार्फ को दो केले छोड़ने पड़ते हैं चार के सा... एक के सामने चार के ऊपर ये एक के सामने चार के ऊपर ये हम हमें चार पॉइंट्स हासिल होते हैं ए बी सी डी जब हम चार पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमें आईसी खत हासिल होता है यानी ख़तूत अदम तजय खत हासिल होता है इन डिफ्रेंस कारो अप्रोच जो ऊपर से नीचे बाएँ से दाएं जनब गिरता है और मनफी झुकाव लगता मनफी झुकाव रखता है लेकिन स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि आईसी खत पर फोर पेयर्स हो चार जोड़े हों पांच जोड़े भी हो सकते हैं वेरियस कम्बी वेरियस कम्बीनेशन ऑफ दी गोड्स बहुत सारे बेशुमार जोड़े हो सकते हैं बट सार्फ़ उन जोड़ों में से कोई भी एक जोड़ा लेगा सेक्शन का म्यार सेम ही रहता है यहाँ पर भी एक जोड़ा बन सकता 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 है सार्फ़ इन तमाम जोड़ों में से जब कोई भी एक जोड़ा लेता है सेट सेक्शन का म्यार सेम रहता है डेयर आप कैंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को कंसेप्ट बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऑफ ट्रिक्स ऑफ यानी अदम अदम तरजीह के खात की खसूसियात को हम बयान करेंगे नेक्स्ट वीडियो में